जिंदान की तरफ जाते हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये आपने जगह नक्श देख ली है, अभी आपने जो अंदर ज़्यारत की है, जो रासल हुसैन की ज़्यारत आपने भी की है, ठीक है ना, आप वो जहन में रखना है, वो जहन में रखेंगे तो आपका सारा नक्शा आएगा, आपको जिंदान के समझ आएगा कि जिंदान का ठीक हो गया। बस आप ये देख रहे हैं, वहाँ से मस्जिद में भैया शुरू हुई है, ये अंदर का सहन था उसको जहाँ बल्ब लगे, यहाँ से सहन खारजी शुरू हो गया। सहन खारजी कितना आए आपको बताते हैं, ये भी जिंदान का दरवाज़ा था, अब ये मोहल्ला बन चुका है, वो पीछे गली है, वहाँ से हम टर्न करके फिर आएंगे। बाबा वसीम से जी लेट हो जाएगा, मुश्किल तो कोई नहीं, नहीं पूछ लें सबसे तैयब शाह जी, या अंदर जहाँ किबला तफसील से बता रहे थे, जहाँ इमाम सजाद बादशाह ने जंजीरों में नमाज पढ़ी है, वो जगह ये गेट, अब ये उस वक्त जिंदान था लेकिन बाद में तमीर होता हुआ अब ये तब्दील हो चुका है, ये बिल्डिंग बन गई, लेकिन यहाँ से जब गेट खुलेगा अंदर एक अभी भी रास्ता है, वो सीधा उसी रास्ते इमाम हुसैन पे चला जाएगा, इसके अंदर जाकर जिंदान, लेकिन ये खोलेंगे नहीं, ये मना कर देंगे, ये पूरा इलाका, ये जितने भी आप घर देख रहे हैं, दुकानें देख रहे हैं, ये उस वक्त के यजीदी जर्नैलों ने, यजीद ने अपने जर्नैलों को घर दिए हुए थे, वज़रा को दिए हुए थे, मशीरों को दिए हुए थे, यही वो जगह है, क्योंकि यहाँ से मजदूर मैया का बिल्कुल इख्तिताम हो जाता है, ठीक है जी। ये जिंदान था, अगर इस्तेदाद होती हमारे पास तो हम ज़रूर करवाते, लेकिन इन्होंने खोलना नहीं,